नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके न्यूज पर। दोस्तों, अनातोली मोस्किन नाम से 53 साल के रूसी कब्र चोर ने खुद को छोड़े जाने की मांग की है। उसने अपनी अपील में कहा है कि वह अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। बता दें कि यह शख्स फिलहाल इसलिए मनोरोगियों के अस्पताल में बंद है क्योंकि इसने अपने डॉल कलेक्शन के लिए कब्रों को खोदकर 29 लड़कियों की लाशों को चुराया था। पेशे से इतिहासकार इस शख्स ने जिन 29 छोटी लड़कियों के कब्रों में चोरी की थी, इसने उनके माता पिता से माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। यह शख्स कब्र से निकली इन बच्चियों की लाशों की ही मम्मी बनाता था और फिर उन्हें गुड़िया बनाकर सजाता था। साथ ही उसने यह रिहाई की मांग ऐसे समय में की है जब उसने मनोरोगों के अस्पताल से रिहा किए जाने की अपील भी की ताकि वह अपनी नई प्रेमिका के साथ रह सके और जीवन में आगे बढ़ सके। रूस के निजनी नोवगोरोड के रहने वाले 53 साल के अनातोली मोस्किन पकड़े जाने से पहले तक मृत बच्चियों को कब्र से निकालकर उन्हें गुड़िया में बदल दिया करता था। ऐसा करने के लिए वह उन्हें मोजा, कपड़े और घुटने की लंबाई के जूते पहनाया करता था। वह उनके चेहरे पर मेकअप भी करता था और उन्हें लिपस्टिक लगाता था। बेहद पढ़ा लिखा यह कब्रिस्तान चोर कब्रों का एक विशेषज्ञ है जिसने अपने बेडरूम में अपनी हर कब्र से चुराई लाश के जन्मदिन को मार्क कर रखा है। इस वहशी के माता पिता जो रूसी शहर निजनी नोवगोरोड में ही एक फ्लैट में रहते हैं, उन्होंने इसकी भयंकर गतिविधियों के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया है। इस वहशी कब्र चोर ने तब बच्चियों के पीड़ित माता पिता से भी माफी मांगने से इनकार कर दिया जब वह अपनी बुजुर्ग माँ की देखभाल और एक नई प्रेमिका के साथ रहने के लिए मनोरोग अस्पताल से रिहा किए जाने के अपने प्रयासों के दौरान एक सुनवाई में भाग ले रहा था। इस दौरान उसने कहा, ये लड़कियाँ लड़कियाँ हैं, मेरे विचार में इनके कोई माता पिता नहीं है, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। इसके अलावा उन्होंने अपनी बेटियों को दफनाया और यह वह जगह है जहाँ मेरा मानना है कि उन पर उनका अधिकार खत्म हो गया।